नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉप सोशल की तरफ से अपडेट आ चुका है आईडियो एंड लिस्टिंग को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे कब तक इसका जो मिननेट है वो लिस्ट होगा, एंड यहाँ पे हम लोग जितने भी टोकन टेस्टनेट के वक्त अर्न कर रहे हैं पॉप सोशल के एप्लीकेशन के अंदर लाइक एंड पोस्ट वगैरह करके, तो वो हम लोगों को कब तक कन्वर्ट होगा, कितने रेशियो में कन्वर्ट होगा एंड हम लोगों को वो टोकन कब तक मिलेगा, टोटल चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अपडेट आ चुका है, जो कि हम लोगों को पॉप सोशल के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड अकाउंट के अनाउंसमेंट चैनल पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ अपडेट है, यहाँ पे अनाउंसमेंट डाला गया है। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारा कुछ यहाँ पे बताऊंगा, प्लस यहाँ पे अगर आप लोग आईडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लास्ट में जाके देने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइग्रेशन डेट, वी आर प्लानिंग टू मेक द लीप ऑफ टू द बीएससी मेननेट ऑन अक्टूबर 24, यानी कि अक्टूबर 24 को बीएससी चेन के अंदर यानी कि बीएससी नेटवर्क के अंदर इसको माइग्रेट किया जाएगा एंड टोकन को लिस्ट कर दिया जाएगा। ग्रे स्केल रिलीज यहाँ पे फ्रॉम अक्टूबर 22 टू अक्टूबर 23, वी विल कैरी आउट अ ग्रे स्केल रिलीज। दिस स्टेप इज टू टेस्ट ऑल फंक्शन एंड प्रिवेंट पोटेंशियल बग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। टोकन अर्निंग विल बी अनअवेलेबल, यानी 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक यहाँ पे टेस्टिंग चलेंगे कुछ मिननेट को लॉन्च करने से पहले, एंड इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हम लोग यहाँ पे कोई भी टोकन को अर्न नहीं कर सकते एंड जितने भी टोकन होंगे सारे हमारे अनअवेलेबल हो जाएंगे। अब क्लेम योर टेस्ट टोकन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लेम बिफोर 22 अक्टूबर और योर टेस्ट टोकन विल बी क्लियर आफ्टर मिडनाइट लॉन्च, यानी कि जितने भी टोकन हम लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, हम लोगों को पता है दो सेक्शन होता है, एक है क्लेमिंग का सेक्शन, जब हम लोग उसको क्लेम कर लेते हैं पॉप सोशल के एप्लीकेशन में, वो टोकन हम लोग का सीधा अपना जो भी टेस्टनेट वाला वॉलेट है वहाँ पे भेज दिया जाता है। ओके, तो हम इस 22 अक्टूबर से पहले उस टोकन को, जितने भी टोकन हमारा है उसको क्लेम कर लेना है, अदरवाइज जितने सारे टोकन जो अनक्लेम्ड टोकन होंगे वो मेननेट के टाइम पे टोटली क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4th में टोकन अर्निंग फंक्शन, वंस वी हैव माइग्रेटेड टू मेननेट द टोकन अर्निंग विल बी बैक टू नॉर्मल, हाउएवर वी विल आल्सो बी वर्किंग ऑन लिस्टिंग आवर टोकन ऑन एक्सचेंजेस अराउंड दिस टाइम टू इंश्योर सक्सेसफुल लिस्टिंग। वी विल पॉज द क्लेमिंग फंक्शन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 month। ओके, तो यहाँ पे मिननेट में माइग्रेट होने के बाद ये जो अर्निंग फंक्शन है ये फिर से बैक नॉर्मल आ जाएगा, यानी कि हम लोग मिननेट के बाद भी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाने वाला है। ओके, बट यहाँ पे अर्निंग तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्लेमिंग जो स्टार्ट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 month लेटर स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम होने वाला है, यहाँ पे टोकन को अलग अलग एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाने वाला है। सो एक महीने तक यहाँ पे जो हमारा क्लेमिंग फंक्शन होगा उसको डिसेबल रखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीपीटी ईयर ड्रॉप, द टेस्ट टोकन यू हैव अर्नड विल बी रिप्रेजेंट एज लेगेसी। पीपीटी द ईयर ड्रॉप विल टेक प्लेस रफली 2 month आफ्टर टोकन लिस्टिंग। द कन्वर्सन रेस विल बी फाइन ट्यून्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट डायनेमिक एंड टोकन वैल्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे जितने भी टोकन हम लोग टेस्ट नेट में अर्न कर रहे हैं लाइक एंड कमेंट वगैरह सारा कुछ करके, तो वो सारा जो टोकन है वो लिस्टिंग के बाद 2 महीने लगभग यहाँ पे लगने वाले हैं हमारे टोकन को माइग्रेट होने में मेननेट में। ओके, एंड यहाँ पे जो कन्वर्सन है वो उस टाइम पे, यानी कि जब यहाँ पे टोकन कन्वर्ट किया जाएगा उस टाइम में मार्केट में टोकन का वैल्यू क्या चल रहा है, प्लस यहाँ पे कितने लोगों ने कितना टोकन अर्न किया, कितने सारे अकाउंट्स है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे टोकन को कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्लियर कट बताया नहीं गया है कितने टोकन यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे मेननेट को, सॉरी टेस्टनेट को मेननेट में हम लोग कितने टोकन के रेशियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, अगर अब तक आप लोगों को यहाँ पे मैटर क्लियर नहीं हुआ, तो सपोज ये अक्टूबर 24 को लिस्ट होने वाला है, मेननेट में माइग्रेट होने वाला है, हम लोगों ने जितना भी टोकन अर्न किया है उसको हम लोगों को 22 से पहले क्लेम कर लेना है एंड 22 के बाद यहाँ पे टोकन जो है अनक्लेमेबल हो जाएगा, एंड जितने भी टेस्टनेट वाले टोकन होंगे जो अनक्लेमेबल टोकन है वो क्लियर हो जाएंगे टोटली, एंड जो भी टोकन हम लोगों ने टेस्टनेट में अर्न किया है वो लगभग 2 महीने का टाइम लेने वाला है। अक्टूबर 24 को टोकन लिस्ट होगा, लगभग डिसंबर 24 तक ये टाइम लेगा हमारा जो भी टोकन है टेस्टनेट वाला टोकन वो मेननेट में माइग्रेट होने के लिए, एंड माइग्रेशन जो रेशियो होने वाला है वो डिपेंड करेगा उस टाइम के टोकन का वैल्यूएशन, प्लस यहाँ पे मार्केट डायनेमिक यानी कि कितने लोगों ने यहाँ पे टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया है सारा कुछ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ तब जाके यहाँ पे टोकन का जो रेशियो होगा वो हम लोगों को मालूम पड़ेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे टोकनॉमी के बारे में डेटा मिल जाता है, ये लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चाहे तो इस टोकनॉमी को रीड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा एक हिंट आप लोगों को दे देता हूँ, टोकनॉमी में यहाँ पे टोटल का जो सप्लाई है वो 200 मिलियन होने वाला है, जिसमें से
70 मिलियन ऐप इकोसिस्टम के लिए है। ये इकोसिस्टम मुझे लगता है कि मेननेट के बाद जब यहाँ पे टोकन मेननेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब जो अर्निंग हम लोग करेंगे वो ऐप इकोसिस्टम के एलोकेशन में आने वाला है, यानी कि मेननेट के बाद हम लोग जो टोकन अर्न करेंगे वो 70 मिलियन के एलोकेशन में आएगा। तो टोटल जो टोकन हम लोगों ने टेस्टनेट में अर्न किया है वो कितने एलोकेशन में आता है, वो 6 मिलियन के एलोकेशन में आता है। अब 6 मिलियन यहाँ पे टोटल हम लोगों ने जितने भी टोकन को अर्न किया है अब तक टेस्टनेट में हम लोग अर्न किया है वो 6 मिलियन के एलोकेशन में आता है, एंड ये 6 मिलियन डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है आफ्टर 2 मंथ ऑफ मेननेट लॉन्च हो गए। अब सिर्फ ऐप नहीं, यहाँ पे आप लोग चाहे तो किसी दूसरे तरीके से भी यहाँ पे टोकन को अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे पायलट पास का एक ऑप्शन है, आप लोग अगर इसको मेंट कर लेते हैं तो टोटल 1 मिलियन पीपीटी टोकन का यहाँ पे एलोकेशन है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मिंट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, यहाँ पे फीस भी बिल्कुल नहीं लगने वाला, यानी कि मिंटिंग का कोई प्राइस नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिंट होने वाला है। बस OPBNB के अंदर आप लोगों के पास कुछ अमाउंट ऑफ फीस होना चाहिए जो कि नेटवर्क या फिर ब्लॉकचेन फीस लगता है किसी भी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए। तो OPBNB के अंदर आप लोगों के पास थोड़ा सा फीस होना चाहिए, एंड ये जो मिंटिंग है OPBNB के अंदर होगा। ओके, इसका लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आके सिंपल से अगर आप लोग करना चाहते तो आप लोग कर लेना, यहाँ पे सिंपल वॉलेट को कनेक्ट करके डिस्कॉर्ड ट्विटर को कनेक्ट करके कुछ टास्क यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे आप लोगों का रैंक के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को मिस्ट्री बॉक्स दिया जाएगा, एंड हर एक मिस्ट्री बॉक्स के अंदर यहाँ पे PPT टोकन होंगे। अब मिस्ट्री बॉक्स एंड रैंकिंग का क्या मैटर है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो ये हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग देखते हैं कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम मुझे मेरा यहाँ पे रैंक दिखा रहा है चूँकि 3506 है, एंड मैंने कुछ यहाँ पे 12 रेफर बनाए हैं। ओके, यहाँ पे आपके रैंक के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे ट्रेजरी बॉक्स मिलने वाला है जो कि 1 से लेके 500 का, अगर आप लोगों के पास रैंक होते तो आप लोग डायमंड ट्रेजरी मिलेगा 500, 1 से लेके 1000 होगा तो प्लैटिनम, इसी तरीके से 1000 से 2000 में क्रिस्टल, 2000, 1 से लेके 3000 में टैटिनियम, एंड 3001 से लेके लास्ट यानी कि 25000 लोगों ने यहाँ पे मिंट किया इसको, तो 3001 से लेके 25000 तक यहाँ पे ऑब्सीडियन ट्रेजरी बॉक्स मिलेगा। हर एक ट्रेजरी बॉक्स में यहाँ पे PPT टोकन होंगे, एंड ये जो इवेंट चलेगा ये 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग अपना रैंक इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे रेफ़र करना पड़ेगा, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग रेफ़र नहीं करते तब भी आपको ट्रेजरी बॉक्स मिलेगा, तब भी आप लोगों को यहाँ पे एयरड्रॉप मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट का है, आप लोग चाहे तो इसको मिंट कर लेना। ओके, लास्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे IDO एंड लिस्टिंग के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे IDO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टोटल क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाले हैं मैं आप लोगों को सिंपल से लिंक को ओपन करके बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे जो लिस्टिंग होगा आप लोगों को पता है 24 अक्टूबर को ही लिस्ट कर दिया जाएगा, एंड ये जो लिस्टिंग प्लस IDO दोनों ही Bybit के अंदर होने वाला है। यहाँ पे Bybit की तरफ से अनाउंसमेंट डाला गया, इसको सिंपल से हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो ये कुछ अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका भी लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आप लोग जाके टोटल रीड आउट कर सकते हैं। मैं सिंपल से यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या मेन जो चीज़ें यहाँ पे फोकस करने वाला है वो क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया एंड किस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, तो Bybit में पार्टिसिपेट करने के लिए Bybit वॉलेट होना चाहिए आप लोगों के पास, Bybit एक्सचेंज या एक Bybit वॉलेट है, वॉलेट यानी Web3 जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है वैसे ही Bybit का एक वॉलेट भी है, आप लोगों को प्ले स्टोर से सिंपल से उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, Bybit के वॉलेट के अंदर आप लोगों को इस IDO में पार्टिसिपेट करना है। IDO का मतलब ही होता है IDO इनिशियल टेक्स ऑफरिंग। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोकन वन PPT टोकन लगभग यहाँ पे 0.1 USDT के प्राइस में यहाँ पे IDO किया जाएगा, एंड एलोगेशन जो है लगभग 5 मिलियन PPT टोकन है जो 0.25% होता है टोटल मैक्स सप्लाई का। अब यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को क्राइटेरिया क्या लगेगा। ओके, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं IDO का जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो 16th ऑफ अक्टूबर यानी कि आज से स्टार्ट होने वाला है। आज 17th ऑफ अक्टूबर है यानी कि कल से वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे बीच बीच में स्नैपशॉट लिया जाएगा, एंड लक्की ड्रॉ के फॉर्म में यहाँ पे यानी कि IDO यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल आप लोग देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल रैंडमली सिलेक्ट 250 विनर हु सब्सक्राइब फॉर द IDO, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करे यहाँ पे बस 250 लोगों को ही विनर किया जाएगा, एंड वो भी सिलेक्ट होगा रैंडमली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एंड जो भी यहाँ पे विनर लिस्ट होगा वो 24th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। अब लिस्टिंग आप लोग देख सकते हैं, लिस्टिंग यहाँ पे October 24 को है 10 PM UTC Bybit स्पॉट में, यानी कि आप लोग वॉलेट में IDO में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन जो लिस्टिंग होने वाला है वो Bybit एक्सचेंज के अंदर होने वाला है।
अब यहाँ पे आप लोग क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यूज़र मस्ट ओन बाईबिट वॉलेट विथ बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 250 USDT प्लस 0.1 BNB ऑन BNB चेन टू एलिजिबल फॉर IDO पार्टिसिपेशन। यानी कि आप लोग अगर IDO में पार्टिसिपेट करना चाहते तो आप लोगों के बाईबिट वॉलेट में मस्ट $250 होना चाहिए USDT में प्लस 0.1 BNB, जो कि $20-25 के अराउंड का पड़ता है। यानी कि आप लोगों के पास लगभग 275 USDT, जिसमें से 250 USDT में होना चाहिए एंड 25 यानी कि 0.1 BNB में होना चाहिए, उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पे IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्नैपशॉट टोटल दिन का 3 बार लिया जाएगा एंड बाद में जब आप लोग अगर एलिजिबल होते हैं, यानी कि आप लोग अगर यहाँ पे विनर होते हैं, तो आप लोगों का जो भी 0.1 USDT के प्राइस में टोटल आप लोगों को 200 USDT का यहाँ पे एलोकेशन मिलने वाला है। टोटल आप लोग आके इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट वाला लिंक आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पॉप सोशल के अनाउंसमेंट को लेकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।